साल था 1992। फीफा विश्व में जो देश फुटबॉल खेलते हैं उनकी पहली बार एक रैंकिंग निकालती है जिसका नाम दिया गया फीफा रैंकिंग, जिसमें भारत का रैंक था 143। वैसे ये बहुत कम लगता होगा, खैर ये तो शुरुआत थी। और अगले साल यानी कि 1993 में भारतीय फुटबॉल वीपी सत्यन की अगुवाई में भारत फीफा अधिकृत 16 मैच खेलता है, जिसमें से भारत रिकॉर्ड ब्रेक 11 मैच जीतता है, 3 मैच में ड्रॉ होता है और 2 मैच हम हार जाते हैं। पर भारतीय फुटबॉल उस टाइम इतनी आक्रामक थी कि भारत की फीफा रैंकिंग 143 से सीधा 99 पर आ जाती है। और यही समय था जब भारतीय फुटबॉल अपने पुराने वाले फॉर्म में वापस आ रही थी। वेल, तो आज हम इंडियन फुटबॉल को 4 सब पार्ट में बात करेंगे। पहला 1992 से लेकर 2000 तक, 2000 से लेकर 2010 तक, 2010 से लेकर 2015 तक, 2015 से लेकर 2023 तक। वेल, 1993 में भारत पहली बार सेफ चैंपियनशिप जीतता है और उसके साथ ही साथ साउथ एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतता है, जिसके तहत भारत की फीफा रैंकिंग में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। और इसके 3 साल बाद यानी कि 1996 में भारत की फीफा रैंकिंग 94 तक पहुंच जाती है अंडर द कैप्टनशिप ऑफ भाईचुंग भूटिया, और ये इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में हाईएस्ट फीफा रैंकिंग है। और भाईचुंग भूटिया की कैप्टनशिप के अंदर ही भारत 2 और सेफ चैंपियनशिप जीतता है, 1997 की सेफ चैंपियनशिप और 1999 की सेफ चैंपियनशिप। इसके बाद समय आता है 21 सेंचुरी की, जो कि इंडियन फुटबॉल के लिए बेहद ही निराशकारक रहा, क्योंकि भारत की पहली कॉम्पिटिशन फीफा 2002 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन था, जहां भारत अपने ग्रुप स्टेज में 3 के 3 मैच गवा कर क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाता है। और उसके साथ ही भारत 2003 की सेफ चैंपियनशिप भी हार जाता है, जहां भारत बांग्लादेश से सेमीफाइनल में 2-1 से हार जाता है। और उसी साल भारत एक और मल्टी मेगा इवेंट होस्ट कर रहा था जिसका नाम था एफ्रो एशियन गेम्स, जो कि हैदराबाद में हो रहा था, जहां पर 96 नेशन ने भाग लिया था और ये बहुत बड़ा इवेंट था। आप इसे इस तरह अंदाजा लगा सकते हैं, ये 2010 के कॉमनवेल्थ गेम के बाद सबसे बड़ा इवेंट था, जहां इंडियन फुटबॉल टीम फाइनल में उज्बेकिस्तान से 1-0 से हार जाती है। एफ्रो एशियन गेम्स की समाप्ति के 2 साल बाद यानी कि 2005 में एक मेजर डेवलपमेंट होती है, जहां पर इंडियन फुटबॉल के हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटिन रिजिग्नेशन दे देते हैं और उनकी जगह नए कोच की नियुक्ति होती है, जिनका नाम था सैयद नईमुद्दीन। इनके टेन्योर के अंदर भारत एशिया कप क्वालिफिकेशन के अंदर इतना बुरा प्रदर्शन दिखाता है कि वो भी उसी साल रिजिग्नेशन दे देते हैं। और अगले ही साल 2006 में वापस से इंडियन फुटबॉल के लिए एक नए हेड कोच की नियुक्ति होती है, जिनका नाम था बॉब हैंगटन। इनके टेन्योर के अंदर वापस से इंडियन फुटबॉल के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जहां भारत सीरिया को फाइनल में 1-0 से हराकर अपना पहला नेहरू कप टाइटल अपने नाम करता है। उस मैच के अंदर पपान चेम प्रदीप भारत के लिए विनिंग स्कोर करते हैं। और अगले ही साल 2008 में भारत AFC चैलेंजिंग कप जीतता है, जिसके अंदर भारत फाइनल में ताजिकिस्तान को 4-1 से हराता है और उस मैच के अंदर सुनील छेत्री हैट्रिक लगाते हैं। और AFC चैलेंजिंग कप जीतते ही भारत 2011 के एशियन कप के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाता है। और भारत 27 साल बाद एशियन कप में वापसी कर रहा था, तो भारत के हेड कोच यानी कि बॉब हैंगटन ने सोचा क्यों नहीं हम कुछ प्रैक्टिस करते, तो उन्होंने 8 महीने लगातार प्रैक्टिस करवाई थी इंडियन फुटबॉल प्लेयरों को। फिर भी भारत अपने ग्रुप स्टेज के 3 के 3 मैच हार जाते हैं और भारत एशियन कप से बाहर हो जाता है। और इसके साथ ही भारत 2015 के एशियन कप के लिए अपना कैंपेन शुरू करता है, पर यहाँ इंडियन फुटबॉल के लिए एक बुरी खबर निकल कर आती है। 2011 के अंदर बॉब हैंगटन को हेड कोच के पद से निकाल दिया जाता है। वेल, बॉब हैंगटन के रिजाइन के बाद AIFF इंडियन फुटबॉल के लिए एक नए हेड कोच की रिक्रूटमेंट करती है, जिनका नाम था शेवियो मडेरा। इनके टेन्योर के अंदर भारत 2011 की सेफ चैंपियनशिप जीतता है, पर अगले ही साल होने वाले AFC चैलेंजिंग कप में भारत का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहता है एवं भारत एक सिंगल गोल भी नहीं कर सकता ओपोजिट टीम के सामने, तो टूर्नामेंट खत्म होते ही शेवियो मडेरा ने रिजिग्नेशन दे दिया। वेल, शेवियो मडेरा के रेजिग्नेशन के बाद AIFF वापस से इंडियन फुटबॉल के लिए एक नए हेड कोच की रिक्रूटमेंट करते हैं, जिनका नाम था विम कोइम वर्मा, जो कि एक डच व्यक्ति थे। वेल, उनके आते ही भारत 2012 में नेहरू कप जीता है, जो कि इंडिया का 3rd टाइटल था। वेल, फाइनल में भारत कैमरून को पेनल्टी शूटआउट में हरा देता है, पर भारत के अगले 2-3 साल बेहद ही निराशकारक रहे, क्योंकि भारत 2013 की सेफ चैंपियनशिप हार जाता है, जो कि अफगानिस्तान फाइनल में 2-0 से जीत जाता है। और 2014 के AFC चैलेंजिंग कप में हम क्वालिफाई भी नहीं हो पाते और 2015 के AFC एशिया कप में भी हम क्वालिफाई नहीं हो पाते। वेल, इंडियन फुटबॉल का खराब प्रदर्शन रहे थे 2014 में विम कोइम वर्मा रिजिग्नेशन दे देते।
वेल 2015 में इंडियन फुटबॉल की बहुत ही कम मैचेस होती है, तो इंडियन फुटबॉल की फीफा रैंकिंग 173 तक पहुंच जाती है, जो कि इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे लोवेस्ट फीफा रैंकिंग है। भारत की ये हालत देखते हुए 2015 में स्टीफन कॉन्स्टेंटी को वापस से रिहायर करते एज पोस्ट ऑफ हेड कोच, और भारत वापस 2015 में शेफ चैंपियनशिप जीतता है, और 2018 के फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए भारत पहला राउंड क्लियर कर लेता है, पर दूसरे राउंड में भारत 8 मैचेस में से 7 मैचेस हार जाता है, तो भारत वापस से क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाता है। अगर हम यह 2018 के फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन को बाहर निकाल दें, तो इंडियन फुटबॉल के लिए 2017 का साल बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इंडियन फुटबॉल इस साल एक भी मैच हारी नहीं थी। भारत इस साल टोटल 9 मैच खेलता है, जिनमें से 7 मैच में भारत जीत हासिल करता है और 2 मैच हम ड्रॉ खेलते हैं, जिसके तहत भारत की फीफा रैंकिंग वापस से 96 तक पहुंच जाती है, जो कि इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट फीफा रैंकिंग है। वेल, इंडियन फुटबॉल इतना अच्छा चल रहा था कि वापस से हम 2018 की सेफ चैंपियनशिप हार जाते हैं। यह मालदीव हमसे फाइनल में 1-2 से जीत जाता है। वेल, यह 2018 की शैप चैंपियनशिप हम हार गए, पर 2019 के एशिया कप के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया था, जहां हम पहली मैच थाईलैंड से खेलते हैं और 4-1 से जीतते हैं, जो कि भारत की 55 साल की हिस्ट्री में एशिया कप में सबसे बड़ी जीत थी। बाकी की 2 मैच हम हार जाते हैं, एक यूएई से हार जाते और एक बहरीन से हार जाते, और हम नॉकआउट स्टेज में पहुँचने से पहले ही हम बाहर हो जाते हैं।